अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, AKTU से संबंधित सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि AKTU का फर्स्ट सेमेस्टर का एंड थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा जो आपका COP यानी कि कैरी ओवर पेपर का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है ijreiblog.com। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं ijreiblog.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुँचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको सिंपली AKTU इवेंट सेमेस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 4 से 5 लिंक्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंपली AKTU ऑफिशियल सर्कुलर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिगार्डिंग BTech बी फार्मा फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, MCA थर्ड सेमेस्टर एंड BHMCT फिफ्थ सेमेस्टर रिजल्ट, यानी कि BTech बी फार्मा का फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट, प्लस MCA के थर्ड सेमेस्टर का और BHMCT के फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आपको यहाँ पे सिंपली देके पर क्लिक करना है और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं विषय स्तर 2020-21 के विषम सेमेस्टर परीक्षा के BTech एवं बी फार्मा पाठ्यक्रम के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, MCA पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर तथा BHMCT पाठ्यक्रम के पंचम सेमेस्टर के रेगुलर छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अभी आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं 17 जून 2021, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं उनके सिग्नेचर हैं, और डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात आती है COP का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखिए, COP का जो रिजल्ट है वो आपका 25 जून के आसपास तक आने की संभावना है, यानी कि 25-26 जून तक जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब COP के रिजल्ट आएंगे, हो सकता है किसी कोर्स का ना हुआ हो, अगर नहीं हुआ तो 1-2 दिन में आ जाएगा, मगर मोस्टली सभी कोर्सेज के रेगुलर के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक उनके रिजल्ट के लिए। आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।